आपके अपने शहर सिवान में खुल गया जींस कॉर्नर, जहां आपको मिलेंगी दिल्ली, कोलकाता एवं गुजरात जैसी सभी सुविधाएं। और आपको बता दें कि जींस कॉर्नर खुद मैन्युफैक्चरिंग करती है और साथ ही होलसेलर विक्रेता भी है, जहां आपको मिलेंगे सबसे सस्ते और सबसे अच्छे कपड़े। अगर आप ही रिटेलर हैं तो आज ही संपर्क करें जींस कॉर्नर, जिसके प्रोप्राइटर है कुणाल जी, जिनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9525949737 और मिलने का पता है फतेहपुर बाईपास रोड चैन स्वीट से। नमस्कार, आप देख रहे हैं A20। आर्मी सीरीज एग्जाम कैंसिल हुआ, उसके लिए किसी सब के लिए आंदोलन कर रहे हैं। अच्छा, बच्चे सब कितने मेहनत करके तैयारी कराते हैं, लेकिन अब 4 साल का ही पूरा समय दे रहा है सरकार, उसको लेकर अब क्या कहना चाहिएगा? कहना यही चाहते हैं, जो हम ये युवाओं पर अत्याचार हो रहा है, ये सरकार 8 साल से कर रही है, अभी ये वापस ले। ऐसा अत्याचार कभी टीचर पे, कभी ग्रुप डी रेलवे पे, ऐसा अत्याचारों को बंद कीजिए। ये युवा क्या करेंगे? आप एक जो युवा एकेडमी चलाते हैं, उसके आप ऑनर है, संचालक है, आपको अच्छा से पता होगा युवा कितना मेहनत करता है, फिजिकल में कितना मेहनत करना पड़ता है। जी सर। और उसके बाद अगर सरकार का ये फरमान आता है 4 साल के लिए आपको बहाली पे रखा जाएगा, और उससे क्या लग रहा है कि युवाओं का भविष्य संवर पाएगा? कभी नहीं। हमारे एकेडमी के सारे बच्चे बोल रहे हैं कि 4 साल में हम क्या कर सकते हैं सर, हम लोग जा रहे हैं कमाने, वो सब अभी अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। तो क्या ये भी मांग होना चाहिए युवाओं का, नेता लोगों को भी, एक बार जो नेता बन जाएगा दोबारा नेता नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, विधायक नहीं बन सकता, कभी नहीं। उन लोगों का पेंशन भी रद्द हो जाए, वो भी रद्द किया जाए, जैसे हम लोग नेताओं के लिए धूल निकलना चाहिए कि जो अग्निपथ में नौकरी करके आएगा उसी को कैंडिडेट माना जाएगा। अगर नेता ये धूल लगाते हैं, जैसे कि हमारे विधायक एमएलए को पेंशन मिलता है, उनका भी पेंशन बंद होना चाहिए। एक विधायक एक बार जीतेगा दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकता, या उसको भी 5 साल के बाद रिटायरमेंट किया जाए बिना पेंशन, और उसका भी लड़ने का जो सर्टिफिकेट होता है वो छीन लिया जाए। आप लोग अपने लिए, जो युवा है, जो देश का भविष्य युवाओं के हाथ में, देश की सुरक्षा है और नेताओं की भी सुरक्षा युवाओं के ही हाथों में है, तो उन नेताओं से आप लोग क्या अपील करते हैं? उन नेताओं से अभी हमारा यही विनती है कि ये टीओडी वापस ले और हमारा परमानेंट बहाली निकाले। अभी 2 साल से वैकेंसी रुकी है, 2 साल में 1,12,093 सीटें खाली है, वो 1,12,093 सीटों पर बहाली निकाले। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आज तक लाइव में दिखाया गया है कि 1,12,000 वैकेंसियां सीटें खाली है। देखिए, नेताओं का जमीर मर चुका है और युवाओं के साथ यहाँ पे घोर अन्याय किया जा रहा है, लेकिन कोई भी सिवान का नेता इन युवाओं की आवाज उठाने के लिए यहाँ पे नहीं आया हुआ है। और कोई आया तो सारे युवा जी इकट्ठा हुआ है, लेकिन सारे नेता अपने घर में बैठे हुए हैं और वोट बैंक की राजनीति केवल युवा नेता लोग करते हैं। और ये यहाँ पे प्रशासन है, प्रशासन से भी हम बात करते हैं और जानते हैं क्या प्रशासन इस पे कुछ करती है। दौड़ निकाल चुके हैं, मेडिकल भी निकाल चुके हैं, जी हम ही हैं। उन लोगों को जो बहाली होगा तो उन लोगों को अग्निपथ के आधार पे ही बहाली किया जाएगा, या पहले का जो नियम था एग्जाम ही कैंसिल हो गया, अग्निपथ छोड़िए ना, उन लोगों का एग्जाम ही कैंसिल हो गया। 1.5 साल पहले फिजिकल हुआ था, उसके बाद मेडिकल हुआ, जब एग्जाम का बारी हुआ तो कैंसिल हो गया एग्जाम में। तो लड़का तैयारी कर रहा था जी जान लगा के 1.5 साल से, वो क्या करेगा? कहीं सरकार का ये जो घोर अन्याय जो हुआ है, बहुत सारे युवा इसके चपेट में आ चुके हैं, बहुत सारे युवा थे जो अपना फिजिकल और मेडिकल निकाल हुए थे, केवल एग्जाम बाकी था, लेकिन जो नया पद्धति आया अग्निपथ और जिससे अग्निवीर निकलने वाले हैं, उसमें बहुत सारे युवाओं का भविष्य अंधेरा में चला गया। आइए कुछ और भी युवा, आप क्या कहना चाहते हैं इसको? जैसे कि एयरफोर्स का एग्जाम हो गया, जीडी हो गया, सब कुछ हो गया, केवल ज्वाइनिंग और मेरिट लिस्ट बचा हुआ है, उसको कैंसिल कर दिया गया है। इससे बहुत सारे सिर्फ ज्वाइनिंग बचा हुआ है आर्मी वालों लेकर। आप लोग सरकार से क्या मांग कीजिए? सरकार से मांग, एक बार जीतते हैं फिर दोबारा वोटिंग करते हैं, उसके बाद सरकार से ही मांग करेंगे कि जो आर्मी वाले हमारे सीनियर जिन्होंने फिजिकल मेडिकल
क्लियर किया है उनका एग्जाम लिया जाए, ठीक है, और एयरफोर्स वाले का मेरिट बना के ज्वाइनिंग कराया जाए, टीओटी हटाया जाए। तो देखिए ये सारे सिवान के युवा है जो रोज सुबह 4 बजे भोर में उठकर आर्मी की तैयारी करते हैं, देश के लिए कुछ कर गुजरने की इनके अंदर क्षमता है, लेकिन सरकार द्वारा जैसे ये अग्निपथ जो न्यू वैकेंसी लाई गई उसको लेकर काफी आक्रोश है युवाओं के अंदर। ये सारे लोग अपने अपना पक्ष रख रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो नया पद्धति आई हुई है इसको वापस ली जाए और पुरानी पद्धति पे ही बहाली की जाए, और जो भी ऐसे छात्र हैं जो मेडिकल निकाल चाहिए। अच्छा आप क्या कहिए? हम सर कहना चाहते हैं कि सरकार विपक्ष इतना कमजोर है कि अभी तक ले युवा के लिए ये नहीं उठाया सर, सरकार कोई आवाज कहा कोई नहीं आया, और मतलब ये तो मानिए कि छोटा है, बाकी जो केंद्र विपक्ष में है कांग्रेस वो अभी तक एक चाहे कोई आवाज नहीं उठाया कि युवाओं के साथ गलत हो रहा है। हम इसको बहुत विरोध करते हैं, हम लोग अपने पे आके रोड पे उतर रहे हैं, वो आगे करते हम लोग नेता कोई साथ नहीं दे रहा, और प्रशासन की ओर से कोई टीम आई थी आप लोगों से बात करने? प्रशासन से कोई नहीं आया है, आप बोल रहे हैं कि डीए पास के जाइए वहाँ से आवेदन जाएगा रास्ता, ना ना कोई नहीं आया, बोल रहे हैं कि डीए पास के आवेदन दीजिए वहाँ से जाएगा कहाँ, केंद्र पास का उसके पास केंद्र के पास, तब हम लोग सुना जाएगा, ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। नेता सब वही है, पूरा इंडिया का, पूरा इंडिया का नेता वही है, कोई हम लोग का साथ नहीं देता, कोई आवाज नहीं उठाता हमारे तरफ से, सब कोई तीन साल से एनसीसी और 4 साल की नौकरी कौन लेकर क्या करेगा, 4 साल के बाद लोग बेरोजगार हो जाएगा, आज उसका 6 महीने का ट्रेनिंग लोग बेरोजगार हो जाएगा उसमें। सर हम ऐसा बात करना चाहते सरकार आने वाले समय में है कटोरिया है।